दिवाली की रौनक और आतिशबाजी के बाद हवा का आलम कुछ ऐसा था कि बीमारी में दावत देना इसे कहना गलत नहीं होगा। और ऐसे में हमारे संवाददाता जश्न के बाद कई जगह पर पहुंचे और उन्होंने जायजा लिया कि दिल्ली की हवा कितनी खतरनाक और कितनी प्रदूषित हो गई। दीपावली ऐसे तो दियों का त्यौहार है, लेकिन पटाखों के शोर और उससे निकले धुएं ने दिल्ली के वातावरण को जहरीला बना दिया है। मैं मौजूद हूं आरकेपुरम इलाके में और यहां का जो पोल्यूशन लेवल है वो एक्सेप्टेबल लेवल से कई गुना ज़्यादा बढ़ चुका है, क्योंकि पटाखों की वजह से जो निकलने वाला जो धुआँ है उसकी वजह से पोल्यूशन जो है वो बढ़ चुका है। और आप देख सकते हैं कि सड़कों पर हर जगह जो स्मोक है वो बहुत ही ज़्यादा है। अगर टेक्निकल टर्म में हम आपको बताने की कोशिश करें तो PM10 जो है वो तो ऐसे तो एक्सेप्टेबल लिमिट 100 माइक्रोन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर आरकेपुरम के इलाके में जो PM10 है वो 1197 माइक्रोन है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि तकरीबन 12 गुना जो है वो यहाँ पर पोल्यूशन लेवल बढ़ चुका है PM10 का। तो वहीं अगर PM2.5 की बात करें तो एक्सेप्टेबल लिमिट जो है वो 60 माइक्रोन जो है वो होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर जो है वो 647 माइक्रोन जो है वो ज़्यादा है। सुबह के 4:45 बज चुके हैं, मैं मौजूद हूँ पंजाबी बाग के इलाके में और मैं जिस जगह मौजूद हूँ यहाँ से ठीक 50 मीटर की दूरी पर ही पंजाबी बाग जो शिवाजी पार्क पंजाबी बाग का मेट्रो स्टेशन है। लेकिन आप साफ देख सकते हैं कि कैमरे की नज़र में स्मोक इतना ज़्यादा है कि जो है साफ साफ भी नहीं देख पा रहा है कि वो कौन सा स्टेशन है। यहाँ का अगर पोल्यूशन लेवल की हम बात करें तो यहाँ पर P10 जो है वो 1556 माइक्रोन है, यानी कि जो नॉर्मल लेवल है पोल्यूशन का उससे 15 गुना ज़्यादा पंजाबी बाग में अभी है।